315 सवाल यानी प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं और उसका क्रम जारी है। उसमें हमें खुशी इस बात की है कि हमारे विधायक जो है इसमें खासा उत्साह हमें दिखा रहे हैं, जिसके कारण अभी तक हमारे जो 315 प्रश्न आए हैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने आए हैं। एक पिछली बार भी हमने एक प्रस्ताव 8 दिसंबर को पारित किया था, उस क्रम में भी मुझे एक बात कहनी है कि ब्राड़ी सैन में जो वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता है या वहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर बना है उस पे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कर रहे हैं। ये 8 दिसंबर को प्रस्ताव आया था, उसको हमने पारित किया था, उसी क्रम में मैं ये बात बता रहा हूँ। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी भराड़ी सैन की जो प्राकृतिक सुंदरता है उससे उस की सुंदरता का या कह सकते हैं इस संस्थान का सदुपयोग करने के लिए यह संस्थान जो है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि संसदीय लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का जो विश्व स्तरीय पाठ्यक्रम है वो तैयार करना इसका उद्देश्य है। दीर्घ एवं लघुकालीन अध्ययन प्रशिक्षण कोर्स भी वहां संचालित करेंगे। ऐसी संसदीय विधाओं से जुड़े जो विषय हैं उनका जो मौलिक है उनका शोध करना, शोध ग्रंथों का प्रकाशन, उनके निष्कर्ष की व्यवहारिकता की संस्तुतियां, विभिन्न विधायिकाओं का प्रस्तुतिकरण, ये इसका उद्देश्य है। ये बात सच है कि बहुत भव्य भवन बना है तो उसका सदुपयोग हम कैसे करें वो इसका एक जो हमने 8 दिसंबर को जो वहाँ प्रस्ताव आया था उसी क्रम में मैंने आपसे ये विषय रखा। उसके बाद जब हम लोगों ने 8 दिसंबर को सदन वहाँ पे आहूत किया था 7 और 8 में, उसके बाद से थोड़ा काम हुआ है, बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हुआ, लेकिन अभी जो हमारे पास समय है उसमें हम काम करेंगे। और जैसा आपको पता है पिछली बार सरकार ने भी 10 करोड़ का बजट हमें दिया था और भी हमने मांग की है। अभी जो सामान्य बजट आने वाला है उसमें भी हमने आग्रह किया है कि उसके विस्तारीकरण के लिए, उसमें और कुछ करने के लिए, TSP के लिए, तमाम चीज़ों के लिए हमने पैसा मांगा है। तो मुझे उम्मीद है कि इस बजट में, सामान्य बजट में, वहाँ के विकास के लिए और हमारे यहाँ जहाँ हम बैठे हैं यहाँ पे भी एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए मैंने पहले शायद कहा था कि हमारी ये विधानसभा उत्तराखंडी विधानसभा के रूप में दिखनी चाहिए, तो उसके लिए भी कुछ बजट वहाँ से यदि हमें मिलता है तो उस क्रम में भी हम आगे।